चार लोगों के बीच में चलते हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है 90 सीटों वाली। हरियाणा में गुन्नौर इस बार सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। वजह है दोनों तरफ से जहां जाट केंद्रित राजनीति का बोलबाला भी हरियाणा में है, वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से गन्नौर में ब्राह्मण उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जाटों की नाराजगी का सामना दोनों ही दलों को करना पड़ सकता है। तो आखिर गन्नौर का क्या माहौल है? राय का माहौल आपको हमने दिखाया, जहाँ पे मौजूदा जो बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, वो चुनावी मैदान से बाहर हैं। उनके जगह पर कृष्णा अहलावत को टिकट दिया गया है। तो इस बार का क्या माहौल है ये दिखाने के लिए आपको गन्नौर विधानसभा में लाया हूँ। तो भाई साहब, हम लोग ये पूछ रहे हैं, क्या नाम है आपका? रामफल। हम लोग ये पूछ रहे हैं, दोनों ब्राह्मण हैं गन्नौर में, तो बीजेपी और कांग्रेस कहाँ है? मुकाबला बनेगा जी ना दोनों का, मुकाबला बनेगा। अच्छा, हाँ, दोनों का, दोनों का मुकाबला। भारी कौन है? भारी दोनों ही भारी हैं। मुकाबला तो दोनों ही भारी है ना, दोनों ही भारी है। हाँ, आप बताइए सर। अच्छा, ये बताइए, गन्नौर का क्या समीकरण है? ये यहाँ जाट कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं? ब्राह्मणों की तो 22,000 वोट है। अच्छा, जाटों की 70 के करीब होंगी। 70 के करीब? हाँ, 70,000 करीब। तो जो सबसे ज़्यादा वोटर जिस जात का, उसके उम्मीदवार को जगह नहीं है ना बीजेपी में ना कांग्रेस में, तो चुनाव में क्या असर है? चुनाव में ऐसा जी, वो तो वोट तो डालनी है, वोटर ने तो वोट डालनी है। जो कैंडिडेट, जो ये ऊपर का हाईकमान का फैसला है, जो जिसको भी देवा। अरे आप वोटर कहाँ हाईकमान का फैसला मान रहा है सर? वोट तो इन्हीं को डालेंगे ना जो खड़े हैं। चलो, कौन भारी है यहाँ? अभी इलेक्शन चालू हुआ है, बीजेपी भारी है। पीछे भी बीजेपी के कैंडिडेट बन रही थी, अब के बीजेपी भारी है। बीजेपी ने तो टिकट बदल दिया अपना, जो मौजूदा सिटिंग विधायक थे। तो क्या बीजेपी ने उम्मीदवार ने काम नहीं किया बतौर विधायक ने, या फिर सरकार ने काम नहीं किया है? नहीं, सरकार के काम कम थे। आ? सरकार ने ही पावर नहीं दे रखी थी। एमएलए ने भी काम कम किया है, सरकार ने भी काम कम किया है। नायब सिंह सैनी? नहीं, जो यहाँ की। हाँ, तो यहाँ तो मुख्यमंत्री वही है, नायब सिंह सैनी। आप है ना, पहले तो खट्टर थे ना। आप बताओ चाचा। हाँ जी, क्या पूछोगे? हम ये पूछ रहे हैं कि जाट डोमिनेटिंग है, सबसे बड़ा तबका है जाट वोटर है, तो अब तो न बीजेपी को जाट पसंद है गन्नौर में, न कांग्रेस को, दोनों ब्राह्मण हैं, तो अब क्या रुख है जाटों का? मत अपनी बता सको, मत देवेंद्र का दणगा हूँ, बाकी अब मैं किसका क्या बताऊंगा, किसका नहीं। अभी यहाँ पर कांग्रेस भी बैठे हैं, बीजेपी भी बैठे हैं भाई। मां, हम तो कटी खुल के देवेंद्र कादियान, हम किसी पार्टी के साथ अब फिलहाल टाइम नहीं है। देवेंद्र कादियान तो 10 साल बीजेपी में रहे, बीजेपी छोड़ दिया उन्होंने। किन्हों छटवाई है जबरदस्ती भाई? भाई साहब, जबरदस्ती छटवाई है, छोड़ी नहीं, अपने आप नहीं छोड़ी, जबरदस्ती छटवाई है। क्यों? 300 करोड़ में टिकट पर कायदा कौन लेगा? 300 करोड़ में टिकट बताया? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है देवेंद्र कौशिक लिया मोले? उनका भाई तो 2019 में सांसद यहाँ से रहे। भाई साहब, देवेंद्र कौशिक मोल लेके आया टिकट को, मोल फ्री मनी मिल रही उसको। हाँ, तो क्या असर होगा गन्नौर में, कौन भारी रहेगा? देवेंद्र कादियान है, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल निर्दलीय लड़ेंगे, रहूंगा। तो ये क्यों नहीं, बीजेपी और कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया, जब इतना बहुल आबादी, सबसे ज्यादा वोटर? तो फिर आप वही बात कर रहे हो। अब कांग्रेस का तो क्या नाम है, कुलदीप है, और बीजेपी में पेट आ गए, तो इसीलिए टिकट नहीं मिला इसको। तो मतलब ब्राह्मण निर्णायक है, इसीलिए टिकट मिला गन्नौर? हाँ, और जाट को देना भी नहीं चाहूँ, देखो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मण टक्कर हो गया। अच्छा, जाट को देना नहीं था? देना भी नहीं चाहूँ थे, पिछली बार तो जाट ही थे जो जाट नहीं थी यार, जाट कहाँ थे? जाट नहीं थी, लेडीज है ना, पिछली उससे ये मतलब है, लेडीज है यहाँ पर अमेले। आप बताओ सर। हाँ भाई साहब, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि गन्नौर में जो टिकट बटा है बीजेपी और कांग्रेस का, हाँ, दोनों ब्राह्मण हैं, हाँ, तो कैसा टिकट बटा है? टिकट तो जो कादन का कटा है वो गलत कटा है, हल्के की सेवा देवेंद्र कादन कर रहा था 10 साल से,
तो इन्हें बहुत गलत करा है। अब ये आज़ाद लड़ेगा तो हम आज़ाद के साथ लड़ेंगे, सीधी बात है। हम इंडिपेंडेंट के साथ लड़ेंगे, क्या दिक्कत है अभी। अच्छा, क्या नाम है आपका? वाले राम। अच्छा, आप भी जाट बिरादरी से? वो कुछ भी लगा रहे, जाट उसमें बिरादरी का क्या बांटना भाई साहब, सारे वोटर हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ इस सीट पर कम से कम, क्योंकि लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट यहाँ 70-75 हज़ार जाट मतदाता है, और जो सबसे ज़्यादा मतदाता है उसमें न बीजेपी को पसंद न कांग्रेस ने उनको जगह दी। तो हमने पूछा कि भाई यहाँ के किस तरफ हैं जाट, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं या क्या भाई? हम सारी जातियों थोड़े बता सके, हम तो बता सके हम कदन के साथ समर्थक हैं, और आगे इसको सैंपथि मिलेगी, जो इसको जो झटका लगा है बीजेपी ने झटका दिया इसके फायदे में जाएगा, और कुलदीप का इसका मुकाबला होगा। कौन जीतेगा देखो, तो जो जिसकी ज़्यादा वोट वो जीत जाएगा। क्या मुकाबला कांग्रेस बनाम निर्दलीय है या कांग्रेस? हाँ, कादनकार कुलदीप का मुकाबला है। आप बताओ भाई साहब। हाँ जी, गन्नौर का क्या है चुनावी समीकरण, क्या माहौल है? वो दोनों का मुकाबला होगा। दोनों का ही मुकाबला होगा। कौन दोनों? बीजेपी का और कांग्रेस का। बीजेपी और कांग्रेस, और निर्दलीय यहाँ फैक्टर है कि नहीं? नहीं, निर्दलीय का फैक्टर नहीं सब यहाँ, कुछ नहीं निर्दलीय, कुछ नहीं कदा कोई बनाया निर्दलीय अब तक, आज तक ना कोई अभी कोई वो नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा बहुल उसी को आपने टिकट नहीं दी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। टिकट तो एमपी में भी दोनों ब्राह्मण थे, एमपी भी इलेक्शन भी दोनों ब्राह्मण थे, जब भी कांग्रेस जीती थी, अब भी दोनों ब्राह्मण हैं। जाट वोट लगभग 60% उड़ा के उसका कांग्रेस की है। यहाँ लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच, निर्दलीय कोई फैक्टर कोई वोट नहीं। और बगल में जो राय सीट है मोहनलाल बड़ौली, उन्होंने हालांकि पहले ही कहा कि चुनाव मैदान में वो नहीं रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, उनका टिकट काट दिया गया या पहले अब खुद से हट गए? आप लोगों को मतलब क्या है? नहीं, खुद नहीं लड़े होंगे, वो तो अध्यक्ष थे, टिकट तो ले ही सके थे अपना, वे एमपी का इलेक्शन लड़ लिए थे, एमपी में हार लिए थे, अब भी आने के चांस थे उनके। बीजेपी ने काम कर दिया रखे हरियाणा में कोई भी, ये मेन रोड है, टूटे बड़े आस्ते हैं, जो ईट लग लग रही है, जो मेन रोड है कहाँ के काम है। अरे बीजेपी ने इतना लंबा चौड़ा इश्तिहार लगाया बिना खर्ची पर्ची के नौकरी, उन्होंने कहा कि किसानों को 2000 रुपया प्रति हेक्टेयर पैसा, 500 में सिलेंडर। सभी थोड़ा फरी लेकर खुश होते हैं, सभी थोड़ा फरी लेकर खुश होते हैं। जमींदार तो सड़कों पर पड़े थे, वो जमींदार नहीं सड़कों पर पड़े थे, जमींदार तो थे वो भी। अच्छा, ये विनेश फोगाट के खिलाफ भी बैरागी को उतारा चुनावी मैदान में। चलो विनोद मतलब मारी थी तो बहुत दूर की, हमने वहाँ के बारे में ज्ञान नहीं, अपने यहाँ के तो आई की है, यहाँ के ही बता सकते हैं, कितना बता सकते हैं वहाँ के बारे में थोड़ा बता दें। हरियाणा में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। मुख्यमंत्री कौन होगा? जो भी कांग्रेस बनाओ किसी बात का क्या फायदा है, भूपेंद्र हुड्डा ही बनेगा, कांग्रेस आएगी तो हुड्डा ही बनेगा। आप लोग बताओ सर, इसका जल्दी है इसको। अरे मैं तो इसको ले लो, अरे आप बताओ ना आप हमको भाई, विकास तो ज्यादा हो नहीं रहा कोई भी। ये एक रोड है गन्नौर का और 10 साल तक ये न्यू पड़ा है, ये देख लो आप, बाहर देखो एक बार घुमा के देखो बाहर, 10 साल से कोई विकास नहीं रही। तहसील में खर्ची पर्ची, जब आप रजिस्ट्री कराना चाहोगे 300 रुपये 500 रुपये का वो दो, जब होती है रजिस्ट्री अभी यहाँ। अच्छा छोड़िए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि दूसरी लिस्ट आई है बीजेपी की, कैसा आपके यहाँ से बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है, किस तरीके का है उम्मीदवार? उम्मीदवार तो ठीक है, पर बीजेपी ने काम तो नहीं करे कोई भी, विकास तो कोई नहीं करे गन्नौर में, कोई विकास नहीं करे इन्होंने। हम लोगों ने पूछा कि भाई दोनों तरफ से ब्राह्मण 60-70 हज़ार जाट मतदाता, तो जाट किधर? जाट ज़्यादा कादयान की तरफ हो रहा है। निर्दलीय तो निर्दलीय फैक्टर है। हाँ निर्दलीय वो सेवा कर रहे हैं ना, एम्बुलेंस चला रहा है। ये समझ में नहीं आता है कि जिससे भी जो जाट बिरादरी से बोलते हैं इस बार हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन विधायक जैसे ही कहीं दूसरा उम्मीदवार आ जाता है गैर जाट, तो फिर उनका भाव बदल जाता है, फिर वो जाति पर आ जाता है। ना ऐसा कुछ नहीं है, अब बोलते हैं 36 बिरादरी की बात, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब जी।